वेल गुड आफ्टरनून सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। अतः इसकी पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ठीक और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या चीजें इसमें बनेंगी? तो हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब वॉच और वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉच, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल, अगर सब्जेक्ट वर्ब, यू के साथ भी वर आएगा यू, क्योंकि यू को हम प्लूरल मानते हैं और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है। तो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। मैं असर्टिव ले दिया पहले, असर्टिव, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो सब्जेक्ट आई सिंगुलर है, वाज आएगा, आई वाज, वर्ब खेलना प्ले उसके साथ आई एन जी, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे, वी वर, तुम, वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉच। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए हम सब्जेक्ट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और ऑब्जेक्ट। तो अब नेगेटिव, नेगेटिव धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, द वॉशरमैन, क्योंकि सिंगुलर है, वाज नोट नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट, वॉशिंग द क्लोथ्स, ये नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव में क्या वाले? वे स्कूल क्या, वे स्कूल जा रहे थे, तो क्या वे प्लूरल तो वर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क,
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और ये इंटरोगेटिव होगा। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंसेस है, सिंपल सा टेंस है, लेकिन इसको हम हर प्रैक्टिस करेंगे उससे वोकैबुलरी भी बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि सिंपल सेंटेंस है चलो आज वर्ग कुछ नहीं है, ऐसे नहीं, किसी चीज़ को अभी छोटा नहीं समझना है हमने, हर एक टेंसेस को एक्टिव पैसिव डार्क इनर सारा कुछ रिवाइज करना है। तो अब कुछ सेंटेंसेस ये हैं, ये बना के बनाते हैं, आइए देखते हैं। भिखारी दर दर भीख मांग रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, ता बेगर बेगर ये नाउन हो गया, रहा था वाज, भीख मांगना बेगिंग, बेगिंग फ्रॉम दर दर डोर टू डोर, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तुम कार नहीं खरीदने जा रहे थे, तो यू सब्जेक्ट, यू के साथ वर्ब, यू आर नॉट गोइंग टू बाय ए कार, बाय ए कार, तो नहीं, यू वर नॉट, नॉट वर्ब से पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। क्या वह सुई में धागा डाल रही थी, थी तो सी, तो वाज, वाज शी थ्रेड, थ्रेड होता है धागा, थ्रेडिंग, इसको वर्ब बना दिया, थ्रेडिंग द नीडल, नीडल क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या वाला हो गया, ये नेगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया। वर्षा की बूंदे तड़ तड़ा टपक रही थी, या वर्षा की बूंदे टपक रही थी या तड़ तड़ रही थी, तो एक ही है मतलब दोनों का। तो वर्षा की बूंदे, तो क्या द ड्रॉप ऑफ रेन या रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स रही थी वर्ब, क्योंकि प्लूरल है वर्ब, पैटरिंग, पैटरिंग रेन ड्रॉप्स वर पैटरिंग, वर्षा की बूंदे टपक रही थी, वर्ब पैटर, पी ए डबल टी आर पैटर, पैटरिंग। पेड़ पर बैठकर वह एक डाली काट रहा था, पेड़ पर बैठकर, तो वह एक डाली काट रहा था, यहां तक सिंपल है, पेड़ पर बैठकर, तो जेंडर, जैसे जेंडर क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो, और उसको शुरू में रखें तो उसको नाउन बना लेते हैं, जब जेंडर समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सीटिंग, सीटिंग ऑन द ट्री, सीटिंग ऑन द ट्री क्या कर रहा था, ही, वह, ही वाज कटिंग, कटिंग ऑफ, काट के नीचे गिरा रहा था, कटिंग ऑफ ए, कटिंग ऑफ वह एक डाली, ए ब्रांच, 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 ठीक है। बिस्तर पर बैठकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था, बिस्तर पर बैठ कर, सेम सेंटेंस है, तो लाइंग या सीटिंग, लाइंग ऑन द बेड, बेड मैं, आई वाज रीडिंग, रीडिंग ए नोवेल, ठीक है। सीटिंग ऑन द बेड, सॉरी बैग नहीं, बेड, सीटिंग ऑन द बेड आई वॉज रीडिंग
ये नॉवेल, क्या वे अंग्रेजी सीखने जा रहे थे? तो जाना कहीं नहीं है, लेकिन सीखने जा रहे थे, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, तो वे के लिए वर दे गोइंग टू लर्न, वर दे गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, टू लर्न मीन्स वर्ब के साथ अगर टू लगाए तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो वर दे गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीखने जा रहे थे? आप लोग शोर या हल्ला क्यों कर रहे थे? तो क्यों, वाई, तो वाई वाई वर यू मेकिंग ए नॉइस, या वाई वर यू शाउटिंग, एस ओ यू शाउटिंग। तो ये कुछ एक सेंटेंस थे फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस करिए और सीखते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।